व्यूअर्स, वेलकम टू कमाल मीडिया। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुलैन और आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम अगेन एक मार्केट में मौजूद हैं जिसका नाम मून मार्केट है। यहाँ पर मैं लोगों से कुछ डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस करूँगी और उनके इंटरेस्ट को जानेंगे और उनसे एक और सेगमेंट करेंगे, उनसे अलिफे भी सुनेंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है आज के इस सेगमेंट में। आइए देखते हैं कौन कौन हमें जवाब दे पाएगा। लेट्स गो। पहले पर्सन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं कि कौमी ज़ुबान हमारी क्या है? पंजाबी। पंजाबी कौमी ज़ुबान है। हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। उर्दू है वैसे, हम तो पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी कहना। क्या बोलते हैं? उर्दू। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि कौमी ज़ुबान से प्यार तो होगा? बहुत। अलिफ पे आती है आपको? हाँ आती है। सुनाए ज़रा। तीन चार लफ्ज आते ने, सुन लो। मतलब ये हमारी तरबियत की बेसिक है। हाँ सुनाए सुनाए। अली बे ते। हाँ आंदी, इन्नी कुछ स्पीड से आंदी है, आती है, बस थोड़ी बहुत ही आती है। चलो थोड़ी सुनाए तो सही। अलिफ बे ते से यार की। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, बाल आपने बहुत लंबे रखे हुए हैं, किससे इंस्पायर्ड हैं आप? जी मैम, क्या? मैंने कहा बाल बड़े लंबे रखे हुए हैं, किससे आप इंस्पायर्ड हैं? बस शौक है। शौक है? बहने हैं? जी सिस्टर है मेरी। तो वो तो कहती होंगी आप मेरी बहन ही हैं। जी लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, कोई कहता है आप आरिफ लवा रहे, आलम लवा रहे, कुछ कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है कहता है। पढ़े लिखे हो के जॉब करते हो? जी मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा, कौमी ज़ुबान तो पता होगी आपको? कौमी ज़ुबान उर्दू है। पंजाबी बोलते हो तो अलिफ पे आती है? जी आती है। सुनाओ। अलिफ बे सारे सुनाओ। आती है वैसे, अलिफ बे पे, अलिफ अली मद्दा बे पे, ते ते से जिम चे हे खे दाल 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 रे अड़े जे से सीन शीन स्वाद वाद तोयें धोयें घिन फा काफ काफ गाफ ला मीम नून वाव हा हमजा छोटी अपने। बहुत अच्छी बात है। कहीं मेरा शो देख तो नहीं लिया पहले? नहीं, पहले मैंने नहीं देखा। अच्छा, मैं अलिफ बे सुनती हूँ लोगों से और बहुत से लोगों को अलिफ बे नहीं आती, पढ़े लिखे लोगों को। और मुझे बताओ कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या काम करोगे? सबसे पहले तो अपनी कौम के बारे में सोचेंगे। ये तो सारे ही कहते हैं ना कि अपनी कौम के बारे में सोचेंगे, तो सारे ही कहते हैं। आप क्या सबसे अलग करोगे? मैं सबसे अलग क्या कहूँ मैम, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। क्या करते हैं? बस काम करते हैं शॉप पे। अच्छा, अपनी शॉप है आपकी? जी अपनी शॉप है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए, कोई ऐसी ताकत मिल जाए जिससे आप कुछ भी कर सकें, तो सबसे पहले क्या करेंगे? मैं सबसे पहले सुपर पावर क्या करें, सुपर पावर नहीं, पाकिस्तान का कर्जा इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। हाँ जी, ये तो कोई भी नहीं कर सका। नहीं, अगर सुपर पावर मिल जाए तो फिर तो हो सकता है। आपने बोला अगर सुपर पावर मिल जाए, ऐसी ताकत मिल जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान का अगर कर्जा ख़त्म हो सके, सबसे पहले एकदम यही करेंगे हम इंशाल्लाह। पाकिस्तान से प्यार है? हाँ जी पाकिस्तान से प्यार है। कितना? बहुत। और कौमी ज़ुबान से? कौमी ज़ुबान हमारी तो उर्दू है, कौमी ज़ुबान से लाजमी प्यार है। अलिफ बे सुनाएं फिर। नहीं, अलिफ बे तो अब इतने हम पढ़े लिखे नहीं है कि आप अलिफ बे सुनाएं। क्यों सुनाएं, थोड़ी कोशिश तो करें। बे तो वो हम भूल जाते हैं ना मीडिया के सामने, इतनी हमें परेशानी टेंशन और कुछ बोल के तो लोग हमारे पीछे हंसेंगे। देंगे क्यों, अलिफ बे तो पहली सीढ़ी है उर्दू ज़ुबान की। वो तो है, तो फिर पर इतना हम पढ़े नहीं है ना कि हम आपको अलिफ बे सुना दें। नहीं पढ़े के अलिफ बे आती हो? नहीं, इतना थोड़ा पढ़े हैं पर अलिफ बे भूल गए हैं, अब भूल गए। बचपन से लेके अब तक पढ़ना शुरू किया था तब भूल गए। चले हम आमों को मैसेज दे दें, बस आपस में प्यार मोहब्बत से रहिएगा। हाँ जी, ये भी तो कहें ना अलिफ बे याद करें। अलिफ बे बिलाल खान, अलिफ बे याद करो। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? वेले। वेली अवाम और वेले हुक्मरान। अच्छा खैर, मुझे बताएं कि कौमी ज़ुबान से प्यार है आपको? मुझे सबसे प्यार अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे हैं आपके?
जी। स्कूल बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं। अच्छा यानी शादी शुदा है ना? बच्चे हैं मेरे। शादी शुदा है ना? हाँ। इतनी शर्म क्यों आती है अपने आपको शादी शुदा बताने में? शर्म है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादी शुदा हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं कि आज मैंने आपसे अलिफ बे सुनी है, अलिफ बे आती है आपको? अलिफ बे आती है लेकिन भूल गए होने बीच में थोड़ी बहुत। क्यों आपके बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं? ए बी सी सुन लें अलिफ बे में थोड़ा सा। क्यों हम अंग्रेज थोड़ी हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी पंजाबी हैं। बताएं। नहीं अगर हम पाकिस्तानी पंजाबी हैं तो हमारे लहजे में बहुत ज़्यादा इंग्लिश क्यों है फिर? क्योंकि हम प्रमोट कर रहे हैं गोरों को, हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। वो उर्दू नहीं बोलते, हम प्रमोट कर रहे हैं। हमें इंग्लिश ज़रूरी लगती है जबकि ज़रूरी नहीं है। हमने अपनी ज़ुबान को कभी मनवाया ही नहीं है, ठीक है ना? कि हम अपनी हमारी अपनी ज़ुबान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने कभी मनवाया नहीं है। हम ये कहते हैं हमने अंग्रेज़ों की तरह बात करनी है। हम उनका जो है ना वो रहन सहन अडॉप्ट करते हैं, वो चाहे कपड़े हों। मैं खुद कभी कभी वेस्टर्न वेयर कर लेती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आज वैसे मैं अलिफ पे सुनने के लिए आई हूँ। अलिफ पे सुनाएं मुझे। टूटी फूटी सुनाऊँगा। वैसे भी आती है सुनाएं। वैसे मैं फंस जाऊँगा, मैंने ससुराल में बताया था बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। कोई हाल नहीं सुनाए चलो। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बड़ा मसला बन जाएगा। मैंने रिश्तेदारों में बताया होता मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? राना एजाज आलम। राना एजाज आलम, अच्छा क्या करते हैं आप? मैं ज्वेलरी का काम, चांदी की अंगूठियाँ वगैरह, जेम स्टोन बनाते। फैमिली बिजनेस है आपका? जी हाँ। अच्छा अच्छा, तो तालीम वगैरह आपने हासिल की कि नहीं? आई एम ग्रेजुएट। यू आर ग्रेजुएट। और फैमिली मेंबर्स होंगे आपके, बच्चे बच्चे भी हैं? माशाल्लाह वो भी पढ़ रहे हैं। स्कूल गोइंग है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज में? यूनिवर्सिटी कॉलेज, एक एन सी में मेरी बेटी है, उसको डिग्री मिलनी है इसी माह, बेटा थर्ड ईयर में है। अच्छा तो मुझे बताया अलिफ पे आती है आपको? आती होगी इंशाल्लाह। चलें सुनाएं फिर। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल दाल रे 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 ये सीन शीन स्वाद वाद तो ए जोए एन गैन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाओ हे अमदा निकी वड्डी है। माशाल्लाह ग्रेजुएट है और इन्होंने 55 साल पहले याद की थी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अगर आपको याद है तो फिर आपको मुल्क से प्यार भी होगा। अल्लाह का शुक्र है। कौमी जुबान है हमारे पास अपनी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम। ये कि हमारे मुल्क के जो हालात है ना वो चोरों डाकुओं के हाथ में, अल्लाह ताला इनसे निजात दिलाए। आमीन आमीन। दोस्त हमें मिले, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? मैं भी ठीक हूँ। क्या करते हैं? हम जॉब कर रहे हैं अभी, अब मतलब यही समय में ढूंढ रहे हैं। समझ लूँ, कर नहीं रहे? कल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ ना तो अभी नहीं ढूंढेंगे। क्या करते हैं? मैं स्टडी अब्रॉड की कंसल्टेंसी करता हूँ। वाओ, और आप क्या करते हैं? मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनर है माशाल्लाह हमारे साथ। एक और आप? और मैं टेली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अच्छा आप तीनों कॉल सेंटर में जॉब करते हैं राइट? मेरा कंसल्टेंसी का जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनी है स्टेप सीडियो के नाम से। तो कंसल्टेंसी करते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए। और मैं इंटरटेक में वेबसाइट सेंटर में करता हूँ। वेब सेंटर में करते हैं। मुझे बताएं कि कौमी जुबान हमारी क्या है? ऑब्वियसली उर्दू जो बोल रहे हैं उर्दू ही है। और क्या मुश्किल सवाल? उर्दू। अलिफ बे आती है आपको तो सुनाएं। अलिफ बे से ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे अड़े जे से सीन शीन सी स्वाद जात तो हैं जे अहीं। वैसे पसंद नहीं आया इस बार, तुम अहीं स्किप करो। आप सुनाएं। ए बे हां ए बे वाह। ए बे तो नहीं होता, अलिफ बे सुनानी है। अलिफ बे सुना दे। छोटी अलिफ बे, छोटी अलिफ, छोटी बे। और आप? अलिफ और अलिफ के बाद अलिफ मद्दा आता है, ये दोनों स्किप कर गए थे। नहीं नहीं क्यों, अलिफ मद्दा फिर अलिफ बे होती है? नहीं पहले पहले अलिफ होता है, पहले अलिफ और अलिफ मद्दा फिर। चलो सुनाओ ना सारी अगर आती है तो। तो इस पे प्राइस क्या मिलेगा लाएगा अगर पूरी? तो सुनाए ना। नहीं कोई पहले डील हो ना, पहले सुनाए तो सही। कंटिन्यू है अलिफ पे। ओके नहीं नहीं वो वाली नहीं। अलिफ अलिफ मद्दा बे पे ते टे से जिम चे हे के दाल डाल जे अड़े जे से सीन शीन स्वाद जात आइन गैन पे काफ काफ ग्याफ लाम मीम नून वाव ग्याफ नहीं होता यार ना। तो ऐसे भी नहीं बोला तो ऐसे वो इसने बोलना था ना इस वजह से। सो व्यूअर्स, आज हमने बात की कुछ लोगों से, बड़ा मज़ा आया सबसे बात करने का, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी हमने गैदर की और कुछ फ़नी कंटेंट भी निकला। उम्मीद करती हूँ आप सब ने भी इसको एंजॉय किया होगा। अगेन आपके साथ हाजिर होंगी कुछ ऐसी मज़ेदार से कंटेंट के साथ। तब तक अपनी मेज़बान नूरुलैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।